बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जैसी मशक नंबर 6 और तोए अलफ्ता की मशक करांगे, ताकि ये शुरू कर रहे हैं। 5 मशकां साड़ियां अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई ने, टोटल जड़ियां ने 11 मशकां ने। जेड़ा बच्चा या जेड़ा भी शौक रखता है लिखाई को दुरुस्त करने वास्ते, वो ये 11 मशकां अगर कर लेंदा ना, तो उहदे वास्ते कोई मसला नहीं। उहदे वास्ते हर हरफ जिहड़ा आसान हो जाता वा, उहदे पैबंद लगाउणा, उहदे लफ्ज़ दी शनाख्त, ते उहदे वास्ते बहुत आसानी हो जाती है। ते अलहमदुल्ला असीं अज्ज 6वीं मशक जिहड़ी है ना उह कर रहे हैं। उहदे च तोए दे नाल अलफ किद्दां लगाउणा, तोए नाल बे किद्दां लगाउणी, इदां इह सारी मशक होएगी। मैं शुरू करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 58, मशक नंबर 6 और तोए लाम तल। अलफ तो शुरू करांगे। ये कोने ना बनना है इसका, तीसरी लाइन तक ले जाके लाम बनेगा। जड़िया लाइन ना जी, ये लाइन ने टक वाली मार्कर जी छोटी होंगी है टैंपो की, क्योंकि यह मार्कर थोड़ी जहा कत जड़ा वा बड़ा वा, इसलिए इन्हों थोड़ा जहा लाइन तो बाहर रख के लिखना पैंता, कि लफज की अपनी जी शक्ल है ना वो मुकम्मल होनी चाहिए है। मैं तो एक लाइन ही लिखनी है, तुसी कोशिश करनी है कि कम अज कम एक जड़ा ना सफा किया जाए, ताकि ये भी है कि मतलब एक जेन च नहीं रखना कि सफा ही लिख देना। लिखना सही है, बेशक अद्धा सफा लिख लो, जो समझ लग जाए फिर वो मशक जरूरी है कि ज़्यादा करो। लफज की जी शक्ल है वो थोड़े जेहन से बह गई है जी, यह लफज की शक्ल है। चलिए हम अभी ये दम लिखा तो ये मीम कि लगा, कुछ लोगों का जेन है कि तख्ती लिखी जाए ना, तो तख्ती की लिखाई ठीक होंगी है, लिखाई समझना ठीक होंगी है। फिर किसी जानकार के कोल तुसी बह के लिखोगे तो तुहानूं उहदी ऊंच नहीं दसेगा, फिर तुसी बेशक पेपर से लिखो फिर तख्ती से लिखो। तो जी अज का जिहड़ा साडा सबक सी उह सी तोए मीम तम। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.